हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डोंट ब्रीथ 2 इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो अगस्त 2021 को रिलीज़ हुई है और हॉरर थ्रिलर कैटेगरी पर बेस्ड है और 1 आवर 30 मिनट्स की ये मूवी है और ये मूवी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको अवेलेबल है देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। डोंट ब्रीथ पार्ट 1 भी बहुत अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी के साथ साथ ही बताई गई है कंटिन्यूएशन में। फुल मूवी एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। और फर्स्ट पार्ट का जिस्ट ऐसा था कि वो 2016 में रिलीज़ हुई थी, जहां हम नॉर्मन इस कैरेक्टर को देखते हैं। इसके घर 3 चोर आए होते हैं और नॉर्मन एक रिटायर्ड सोल्जर होता है और वो ब्लाइंड भी होता है, पर उसके पास काफ़ी पैसा होता है जिसे चुराने के लिए वो चोर बहुत कुछ करते हैं। पर नॉर्मन जो ब्लाइंड होता है, पर उसके सामने ये चोर फीके पड़ जाते हैं। और ये सब कैसे होता है ये पार्ट 2 में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सारे ही प्लॉट्स बहुत बेहतरीन हैं। तो चलिए पार्ट 2 की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घर जलता हुआ बताया जाता है और घर में से एक लड़की बाहर आती है भागते हुए और फिर वो गिर जाती है। और नेक्स्ट सीन 8 ईयर्स बाद का बताया जाता है, जहां हमें फिनिक्स बताई जाती है जो जंगल में भाग रही होती है। एज एक डॉग उसका पीछे पड़ा होता है। वो भागते भागते एक कार के पास पहुंच जाती है, जिसको खोलकर उसे एक बैग मिलता है और उस बैग में एक गन होती है। उसे देख वो गन निकाल लेती है, पर पीछे से एक आदमी आता है जो नॉर्मन था और वो फिनिक्स से गन ले लेता है और वो बोलता है कि तुम हार गई। और हमें पता चलता है कि फिनिक्स नॉर्मन की बेटी है और नॉर्मन इसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहा था और वो डॉग भी इनका ही होता है जिसका नाम होता है शैडो। और अब ये अपने घर चले जाते हैं जो सिटी से काफ़ी दूर जंगल में होता है। और फिर हम देखते हैं कि फिनिक्स अपने डैड यानी नॉर्मन की बाल कट कर रही होती है और अपने बालों के बारे में पूछती है, जिस पर नॉर्मन बोलता है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी मॉम की तरह है और बोलता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी। जिस पर फिनिक्स बोलती है कि उसे सिटी को भी एक्सप्लोर करना है, जिस पर नॉर्मन उसे साफ साफ इनकार कर देता है। और हमें हरमेंडिस बताई जाती है जो सिटी से नॉर्मन के लिए एसेंशियल सामान देने के लिए आती थी। वो कभी कभी फिनिक्स को सिटी में घुमाने के लिए ले जाती थी, एज वो उसके साथ सेफ थी। फिनिक्स की बहुत रिक्वेस्ट पर नॉर्मन उसे हरमेंडिस के साथ जाने के लिए अलाउ कर देता है और फिनिक्स जाती है। और फिनिक्स एक सॉन्ग गा रही होती है जो उसकी मॉम का फेवरेट सॉन्ग था और हरमेंडिस को ये वो बताती है। और फिर हरमेंडिस और फिनिक्स उसके ओल्ड हाउस विजिट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिस पर फिनिक्स वहां जाकर पुराने घर को देखने लगती है। पर फिनिक्स यहां वहां घूम रही होती है घर में और वो वही सॉन्ग गा रही होती है, पर तभी कुछ आवाज़ आती है जिससे डर के वो फिर से बाहर आ जाती है। और हरमेंडिस अपना काम कर रही होती है और फिनिक्स अपने डॉग के साथ ही बैठी थी, पर वो एक शेल्टर की तरफ देख रही थी जो ऑर्फनेज होता है। और तभी हरमेंडिस उसे घर ले जाने के लिए कार लेकर वहाँ पर आ जाती है, पर फिनिक्स को वॉशरूम यूज़ करना था इसीलिए वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ रे नाम का एक आदमी उसे मिलता है जो उसे बात करने के लिए ट्राई कर रहा होता है, पर फिनिक्स उसे बोलती है कि अगर उसने कुछ किया तो शैडो जो उसका डॉग है वो उसे काट काट कर मार देगा। और फिनिक्स अपने डॉग के साथ बाहर आ जाती है, कार में बैठती है और हरमेंडिस के साथ निकल जाती है। पर वो जो आदमी था रे, वो उसका पीछा कर रहा था कुछ और लोगों के साथ। और अब फिनिक्स घर पहुंच जाती है और हरमेंडिस नॉर्मन से फिनिक्स को नेक्स्ट वीक फिर से सिटी विजिट करने के लिए पूछती है, जिस पर नॉर्मन साफ साफ इनकार कर देता है और फिनिक्स अपने घर में चली जाती है और हरमेंडिस भी कार लेकर निकल जाती है। और हम नॉर्मन को देखते हैं जो बेसमेंट में जाकर कुछ काम कर रहा होता। वहाँ हम एक बड़ा सा बॉक्स बताया जाता है और वहीं हरमेंडिस को रास्ते में रे और उसके लोग फिर से मिलते हैं। हरमेंडिस ड्राइव करते हुए 911 पर कॉल भी कनेक्ट करती है, पर तभी कोई एक आदमी आकर उसे पीछे से अटैक करता है। और हमें नॉर्मन का घर बताया जाता है, जहाँ पर 3 लोग बाहर खड़े होते हैं और नॉर्मन तभी शैडो को ढूंढ रहा होता है, एज उसे अपने डॉग को खाना खिलाना होता है। पर शैडो उसे कहीं नहीं दिखता, मतलब महसूस नहीं होता, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है।
वहीं फिनिक्स अपने रूम में होती है, पर वो नोटिस करती है कि नीचे लाइट चालू है, पर उसके डैड तो ब्लाइंड है और उन्हें लाइट जलाने का कोई मतलब ही नहीं होता है घर में, इसलिए वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत अपने बेड के नीचे छुप जाती है और वो चोर उसके घर में चले जाते हैं और बेड के पास आकर देखते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग आए फिनिक्स अपने कबोर्ड के नीचे जाकर छुप जाती है और छुपकर एक स्टोर रूम की तरफ में चली जाती है और उसके अंदर छुप जाती है। वहीं नॉर्मैन को शैडो मिलता है जो एक जगह पर पड़ा होता है, वो मर चुका होता है और उसे गोली भी लगी होती है। नॉर्मैन तभी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिनिक्स मुसीबत में है, और वहीं घर में फिनिक्स बाहर भागने जाती है, पर तभी उसे वो चोर पकड़ लेते हैं और तभी नॉर्मैन विंडो से एक चोर को पकड़ लेता है, उसकी गन ले लेता है। अब फिनिक्स उसी बेसमेंट वाले बॉक्स में जाकर छुप जाती है, पर एक चोर उसके पीछे भागता है और नॉर्मैन उस चोर को पकड़ रखा था, पर वो चोर नॉर्मैन को मारता है और वहां से भाग जाता है। नॉर्मैन जल्दी से अपनी वुंड्स पर स्टिकिंग ग्लू लगा देता है ताकि और ब्लड ना निकले, और नॉर्मैन अपने गैराज में था जब वो स्टिकिंग ग्लू लगा रहा था, तभी एक चोर नॉर्मैन के पीछे भी आता है। नॉर्मैन उस पर अटैक करके उसके मुंह और नाक पर ग्लू लगा देता है ताकि वो सांस ना ले और मर जाए, और वहां से चला जाता है। पर तभी दूसरा चोर आकर उसके गाल में खड्डा कर देता है ताकि वो सांस ले सके वहां से और ज़िंदा रह सके, और वहीं जो चोर फिनिक्स के पीछे भागा था वो उस बॉक्स में पानी भरने लगता है। तभी नॉर्मैन बेसमेंट में आकर रूम को लॉक कर देता है और वो चोर नॉर्मैन को बहुत मारता है। नॉर्मैन एक जगह छुप कर इलेक्ट्रिक वायर लेकर उस चोर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और चोर जलकर मर जाता है। नॉर्मैन जल्दी से बॉक्स ओपन कर लेता है और अपनी बेटी को बचा लेता है, और तभी वो चोर जो बचे हुए थे यानी कि रे और उसके साथी, ये दोनों भी घर में आ जाते हैं और सबको देखकर दंग रह जाते हैं, एज एक ब्लाइंड आदमी ने इन चोरों को बराबर इनकी बोलती बंद कर दी या इनकी बैंड बजा दी थी इसीलिए। और हम देखते हैं कि नॉर्मैन और फिनिक्स घर से बाहर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं, पर चोर सब वहीं होते हैं और एक चोर चिल्लाकर बोलता है कि फिनिक्स तुम्हारे साथ है, जो उसे वो लोग कुछ नहीं करेंगे। वो कहता है कि फिनिक्स को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तभी नॉर्मैन घबरा जाता है। नॉर्मैन इंस्टेंटली बाहर आ जाता है और रे पर अटैक कर देता है, और इनकी बहुत ज़्यादा फाइट होती है, और तभी फिनिक्स भी बाहर आ जाती है। रे फिनिक्स से अपने बाल बताता है और बोलता है कि तुम मेरी बेटी हो, और फिनिक्स उसे देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है, एज जो फिनिक्स के सर में एक हिस्सा वाइट हेयर से कवर था वही हिस्सा उस रे के सर में भी वाइट हेयर से कवर होता है, और ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइटिंग सीन्स बताए जाते हैं, और फिर रे फिनिक्स से बोलता है कि कुछ साल पहले हमारे घर में आग लगी थी और फिर पुलिस ने मुझे ही दोषी करार कर 8 साल की सज़ा दे दी, और आज ही रे दोबारा फिनिक्स से मिला था और कहता है कि नॉर्मैन तुम्हारा डैड नहीं है। और तभी एक चोर नॉर्मैन को मारने जाता है, पर नॉर्मैन उसे पुश करके छुप जाता है, और फिर नॉर्मैन किसी को नहीं मिलता, इसलिए ये सब फिनिक्स को लेकर रे की कार की तरफ निकलने लगते हैं। पर जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी फिनिक्स एक चोर को मारती है और नॉर्मैन बाहर आ जाता है और उसे मारकर वहां से अपनी बेटी यानी फिनिक्स को लेकर फिर से घर में चला जाता है। बाकी चोर फिर से नॉर्मैन को ढूंढने लगते हैं, और रे का जो डॉग था वो नॉर्मैन को बाइट करने के लिए उसके घर में घुस जाता है, पर रे का डॉग इन्हें बाइट नहीं कर पाता एज ये लोग छुप रहे होते हैं। पर वहीं फिनिक्स फिर से चोरों के हाथ आ जाती है। रे फिनिक्स को लेकर घर के बाहर आ जाता है और घर में आग लगा देता है। नॉर्मैन रे के डॉग को जल्दी से घर से सेफली निकाल देता है और खुद भी निकल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि नॉर्मैन इतना भी बुरा इंसान नहीं है, और हमें फिनिक्स बताई जाती है जो उन चोरों के साथ यानी कि रे के साथ होती है, और रे बोलता है कि उसका नाम तारा है। और फिर फिनिक्स अपनी मॉम का नाम पूछती है, जिस पर रे बोलता है कि तुम्हारी मॉम का नाम जोसेफीन है,
और कहता है कि अब फिनिक्स आज़ाद है, उसे जहाँ जाना है वो जा सकती है। और तभी एक लेडी वहाँ पर आती है, जो फिनिक्स को गाना पसंद होता है वह वही गाना गा रही होती है, और वो खुद को फिनिक्स की मॉम बताती है। अब फिनिक्स अपने नए मॉम डैड देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ये तीनों एक ग्रुप हग करते हैं। वहीं हम नॉर्मन को देखते हैं, जो नॉर्मन एक गन के साथ होता है और उसने रे के डॉग को एक चेन से लगाकर उसके घर की तरफ भगाया होता है, ताकि वो जब भाग रहा होगा रे के घर की तरफ वो उसका पीछा करेगा। और वहीं हम ये तीनों बताए जाते हैं, जहाँ फिनिक्स की मॉम का मुंह से ब्लड आ रहा होता है, एज वो अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, उसके पास टाइम कम है, ऐसा वो लोग बता रहे होते हैं, एज उसकी मॉम को नए दिल की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। और फिनिक्स के डैड यानी कि रे उसे कुछ ड्रिंक देते हैं पीने के लिए, जिसे पीते ही फिनिक्स बेहोश हो जाती है, एज रे ने उसके जूस में कुछ बेहोशी की गोली डालकर दिया था। और हम देखते हैं कि ये लोग एक डॉक्टर के पास फिनिक्स को ले जाते हैं, एज इसके दिल का ऑपरेशन करके इसके दिल को निकाल कर इसकी मॉम, सो कॉल्ड मॉम को दे देंगे। और जैसे ही ये लोग उस ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है और यहाँ आता है असली हीरो नॉर्मन, जो रे के आदमियों को मार मार कर उनकी जान ले लेता है। अब रे, फिनिक्स, जोसेफिन और डॉक्टर ये चारों वहाँ से निकल जाते हैं। एज रे को अपनी वाइफ के लिए दिल चाहिए होता है, पर रे के बचे कुचे गुंडे पीछे नॉर्मन को मारते हैं और बोलते हैं कि नॉर्मन का मरना ज़रूरी है। तभी नॉर्मन एक प्लेस पर लेटा होता है और मरने का नाटक करता है। एज नॉर्मन आर्मी से था, उसे साउंड भी पता चलती थी दुश्मनों की, उसे अंदाज़ा था अच्छे से कि कहाँ से कैसा अटैक होगा। और जहाँ पर वो लेटा था वहाँ पर काफ़ी पानी था, जैसे ही कोई लोग नॉर्मन के पास आ जाएंगे वो पानी हिल जाएगा और उसे वो हिला हुआ पानी महसूस होगा। वो देख नहीं सकता था पर वो महसूस कर सकता था और वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट था। जैसे ही वो लोग उसके पास आते हैं, ये उठकर तीनों लोगों को मार देता है। और गाइस, ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलेगी। सो एनीवेज, नॉर्मन वहाँ से निकल कर पहले डॉक्टर को ही मार देता है और एक गैस रिलीज करता है, जो रे खुद इनहेल कर लेता है। और हम देखते हैं कि रे अंधाधुंध शूट कर रहा था, जिसकी एक गोली उसी की वाइफ को लग जाती है और वो मर जाती है। तभी नॉर्मन पीछे से आकर रे पर अटैक करता है, उसकी आइज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिनिक्स भी खुद को रिलीज़ कर देती है और नॉर्मन के पास आ जाती है। पर नॉर्मन उसे बोलता है कि वो उसका डैड नहीं है और उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उनका खून किया है और काफ़ी और गलत चीज़ें भी की है। वो उसका डैड नहीं है, इसलिए उसको उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट उसे रहना भी नहीं चाहिए। और ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से रे आकर नॉर्मन के पेट में चाकू मार देता है और फिनिक्स उठकर रे को मार देती है, पर नॉर्मन भी बच नहीं पाता और मर जाता है और फिनिक्स अकेले बच जाती है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है, पर हमें फिनिक्स बताई जाती है जो उसी शेल्टर यानी कि ऑर्फनेज में जाती है, जहां वो पहले उस ऑर्फनेज को देख रही थी। और ये मूवी का लास्ट एंड यहीं होता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई अच्छी मूवी की डिमांड्स होगी जिससे आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।